वेलकम टू द चैनल एग्जाम्प्रू फॉलोज विद यू एंड टूड विल सी दार्टू चैप्टर टू फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आपको पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा सी इट्स डेफिनेशन द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटोरी ज्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इसका मतलब ये है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कहती है पॉपुलेशन ग्रोथ इज द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स यानी कि किसी भी एरिया में ऑफ अ टेरिटरी किसी भी टेरिटरी में किसी भी जगह में किसी भी एरिया में कुछ जो हमने टाइम लिया है किसी भी समय जो भी हमने टाइम लिया है मेजर करने के लिए उसमें कितना बदलाव हुआ है वहां के रहने वाले लोगों में मान लो वहां पर दस लाख लोग रहते थे 2001 में तो 2010 में और 2001 के बीच में जो ग्रोथ हुई है जो चेंज हुआ है मान लो पॉपुलेशन बढ़ करके हो गई है 12 लाख तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी होगी 2 लाख की पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर होगी सो so, कहने का मतलब ये है कि किसी भी एरिया में कुछ दो पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनमें जो बदलाव आता है वो कम हुए हैं वो ज्यादा हुए हैं वो हम पॉपुलेशन ग्रोथ उसे कहते हैं ग्रोथ में यहाँ पर सिर्फ मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन हमेशा बढ़ेगी ग्रोथ का ग्रोथ का मतलब यहाँ से चेंज से है यानी कि वो बढ़ भी सकती है वो कम भी हो सकती है हम दोनों को ही पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे अगर पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर ईयर में हमारी थी टेन लाख और फिर थोड़ा कुछ सालों बाद जाकर के वो हो जाती है एट लाख तो जो टू लैक्स कम हुआ है वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ ही कहलाएगी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ एब्सोल्यूट नंबर्स में है तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ है अगर ग्रोथ रेट है तो कहने का मतलब है कि वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको जब हम परसेंटेज में बोलते हैं कि दो परसेंट बढ़ी है तीन परसेंट बढ़ी है या एक परसेंट कम हुई है जो भी है दैट इज नोन एज ग्रोथ रेट जब हम परसेंटेज में इसको काउंट करते हैं सो हेयर यू कैन सी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन जोग्राफी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आई हैव टोल्ड यू यू कैन अ लुक ओवर इट ओके एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ so let's see now the natural growth of population. so first of all आपको ye समझना होगा कि जो population growth है population का बढ़ना या घटना तीन चीजों पर depend करता है पहला birth किसी भी एरिया में किसी भी रीजन में कितने लोग जन्मे हैं दूसरा है डेथ किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग मरे हैं और तीसरा होता है माइग्रेशन यानी कि माइग्रेशन कैसा भी हो सकता है उस एरिया से लोग बाहर भी जा सकते हैं और उस एरिया के लोग अंदर भी आ सकते हैं किसी दूसरे एरिया की रिस्पेक्ट में तो जब हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इसके अंदर हम माइग्रेशन को हटा देते हैं और सिर्फ बर्थ और डेथ जो है वो काउंट करते हैं नेचुरल ग्रोथ का फॉर्मूला है बर्थ माइनस डेथ और यही इसकी फिर डेफिनेशन है डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितने लोग जितने लोगों का बर्थ हुआ और जितने लोग मरे उनके बीच का डिफरेंस जो है वो है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लेकिन एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लेकिन सिर्फ बर्थ और डेथ के अलावा भी एक और फैक्टर होता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है तो जब हम उसको भी कंसीडर करते हैं दैट इज एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इसमें क्या आ जाता है इसका फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन यानी कि जितने लोग जन्मे जितने लोग मरे उनका डिफरेंस प्लस जितने लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में आए माइनस जितने लोग किसी पर्टिकुलर एरिया से गए मान लो कोई भी एरिया है मान लो आपकी सिटी है आपकी सिटी में से जितने लोग दूसरी सिटी चले गए हैं दैट इज आउट माइग्रेशन एंड जितने लोग आपकी सिटी में आ गए हैं दैट इज इन माइग्रेशन तो हम इसको भी काउंट डाउन करते हैं एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन द नेक्स्ट इज पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है पॉपुलेशन का बढ़ना और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है पॉपुलेशन का कम होना पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तब होगी दो तरह से होगी या तो बर्थ ज्यादा हो रहे हैं और डेथ कम हो रही है या फिर जो माइग्रेशन है सिटी के अंदर माइग्रेशन में लोग ज्यादा आ रहे हैं और छोड़ के लोग उस सिटी को कम जा रहे हैं तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन कम कब होती है जब लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा होती है और जो बर्थ है वो उतना नहीं होता तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम होने लग जाएगी क्योंकि लोग मर ज़्यादा रहे हैं और बर्थ उतना हो नहीं रहा तो पॉपुलेशन घटने लग जाएगी इसके अलावा अगर ऐसा है कि सिटी से लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और कम लोग सिटी के अंदर आ रहे हैं तब भी पॉपुलेशन जो है वहाँ की कम होने लग जाएगी जो कि एक ऑब्वियस चीज़ है कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज अब यहां पर हम कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे जिनके डेफिनेशन एक्चुअली जो कि हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं मेनली थ्री कंपोनेंट्स हैं बर्थ डेथ और माइग्रेशन सबसे पहले बर्थ द क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अयर पर थाउजेंड ऑफ विमेन सो गाइज यहां पर एक हल्का सा करेक्शन है ये जो विमेन है यहाँ पर विमेन नहीं आएगा यहाँ पे पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन आएगा ओके आ, क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है सी बी आर यानी कि क्रूड बर्थ रेट इक्वल बर्थ अपॉन पॉपुलेशन मिड ईयर पॉपुलेशन इन टू थाउजेंड अब यहाँ पर हमने पॉपुलेशन मिड ईयर की क्यों ली है क्योंकि आ, ऐसा होता है ना कि पॉपुलेशन जब ईयर का शुरू होता है और ईयर के एंड में पॉपुलेशन हर वक्त एक जैसी नहीं रहती मतलब महीने दर महीने चेंज होती रहती है तो एक एवरेज काइंड ऑफ लेना होता है तो प्रेफर ये किया जाता है वरना फिर ऐसे तो पॉपुलेशन का आपको कुछ सही चीज मिलेगी नहीं आपको दिनों दिन कैलकुलेट करनी पड़ेगी सो फॉर एन एवरेज लोग जन्मे लाइव जो है जिंदा है थाउजेंड ऑफ मिड ईयर पॉपुलेशन यहां पर वीमेन नहीं आएगा ओके सो या दिस इज द थिंग देन डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज डेथ रेट का एक एक्टिव रोल है जैसा कि हमने देखा अगर डेथ रेट ज्यादा हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और अगर डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ती है क्रूड डेथ रेट इज अ सिंपल मेजर ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया किसी भी एरिया में जितनी डेथ्स हुई हैं उसको मेजर करने का तरीका है उसको नापने का तरीका है क्रूड डेथ रेट क्रूड डेथ रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन किसी भी एरिया में जितने भी लोग मरे हैं उसको जब हम डिवाइड करते हैं मिड ईयर की पॉपुलेशन से मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड उससे क्या निकल आता है क्रूड डेथ रेट ओके बाय लार्ज मोर्टेलिटी रेट आर एफेक्टेड बाय द रीजन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो डेथ होती है जो जितनी भी जो डेथ्स होती हैं उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं जैसे कि रीजन की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर अब अगर ऐसा है किसी एरिया में डेथ इस वजह से ज़्यादा हो रही है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बूढ़े हैं वहाँ की पॉपुलेशन में जितने लोग बूढ़े हैं उनका प्रपोर्शन ज़्यादा है बजाय उनसे जो अभी यंग हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर डेथ होगी ज्यादा वैसे ही अगर सोशल एडवांसमेंट नहीं है मतलब अच्छी हॉस्पिटल्स नहीं है अच्छी केयर नहीं है तो वहाँ सोसाइटी में भी रहने में और कहने का मतलब है अगर उतनी डेवलप्ड नहीं है सोसाइटी उतनी उसमें फैसिलिटीज नहीं है तो भी लोगों की डेथ होती है फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी हेल्थ केयर या स्टारवेशन से मर रहे हैं जो भी है मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी काफी इफेक्ट होता है किसी भी व्यक्ति की डेथ पर किसी भी एरिया में जितने लोग मर रहे हैं डेथ उस पर देन इज द माइग्रेशन माइग्रेशन क्या होता है कि जब लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं मतलब अब तुम्हारी जो सिटी है वहां से या तो लोग दूसरी सिटी में जाएंगे या दूसरी सिटी से वो तुम्हारी सिटी में आएंगे अब अगर तुम अब एक केस लो ये माइग्रेशन है सबको पता है है ना तो अब तुम्हारी सिटी से अगर कोई व्यक्ति है वो दूसरी सिटी में गया तो जहाँ से वो निकला यानी कि जो तुम्हारी सिटी है वो क्या है प्लेस ऑफ ओरिजिन और जहाँ पे वो गया है वो क्या है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन अब जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वहाँ की पॉपुलेशन तो जाएगी भड़ क्योंकि वो बंदा वहाँ चला गया और जो प्लेस ऑफ अ है वहां की पॉपुलेशन हो जाएगी कम ऑटोमेटिकली क्योंकि वो व्यक्ति यहां से गया है तो वहां पर वो बढ़ा देगा ना नंबर पॉपुलेशन का और यहां से कम कर देगा यहां पर देखो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है माइग्रेशन में स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सिस जो माइग्रेशन होता है उसको हम ऐसे इंटरप्रिट कर सकते हैं कि एक आ, हर वक्त एक चलती हुई एक एफर्ट है बेटर बैलेंस यानी कि पॉपुलेशन और रिसोर्स बेटर बैलेंस करने के लिए कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर यूज करने वाले इतने हैं नहीं और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सिस बहुत कम है या कहें कि ठीक ठाक थे भी मगर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि वो रिसोर्सिस एक्सप्लॉइड हो रहे हैं और लोगों को उतनी चीज मिल भी नहीं रही है तो जहां जिस एरिया में रिसोर्सिस कम होते हैं और लोग ज्यादा हो जाते हैं हावी उसके ऊपर वो वहां के लोग उस एरिया में चले जाते हैं जहां पर रिसोर्सिस तो हैं बहुत ज्यादा लेकिन काम करने वाले लोग जो जो उन रिसोर्स को यूज करने वाले लोग हैं वो हैं बहुत कम तो जब जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वो कुछ उस जगह पर चली जाएगी जहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है तो एक बैलेंस बना रहेगा पॉपुलेशन और रिसोर्सेस में जैसे कि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है एंड वी हैव कोर्स जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है रिसोर्स लिमिटेड ही होते हैं तो काफ़ी सारे लोग इंडिया से बाहर जाते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज में जाते हैं ना अरेबियन पेनसुला जो पूरा है देन वेस्टर्न कंट्रीज में लोग जाते हैं फॉर बेटर लाइफ प्रोस्पेक्ट एंड रिसोर्सिस भी वहाँ पर ज्यादा हैं क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो कहीं ना कहीं एक पॉपुलेशन और रिसोर्सेज में हर वक्त बैलेंस करने की कोशिश होती है माइग्रेशन या तो परमानेंट हो सकता है कि कोई किसी एरिया से परमानेंटली माइग्रेट हो गया या थोड़े टाइम के लिए हो सकता है टेम्परेरी हो सकता है या फिर सीजनल हो सकता है अब टेम्परेरी और सीजनल में क्या फर्क है टेम्परेरी क्या होता है कि एक बार के लिए मतलब आप वैकेशन पे गए या यू कहें कि आप दो तीन महीनों के लिए एक बार के लिए मतलब तो जो भी पर्टिकुलर टाइम है एक बार सीजनल क्या होता है उनका हर साल का है वो हर साल या तो विंटर में जाएंगे या समर में कुछ ऐसी हिमालयन ट्राइब्स हैं जो कई बार प्लेन्स में आ जाती हैं कई बार माउंटेन्स में वापस चली जाती हैं तो उनका एक सीजनल माइग्रेशन चलता रहता है इफ यू हैव स्टडीड इन दैट इन जोग्राफी क्लास टेंथ इट इज वेरी वेल रिटर्न देर सो माइग्रेशन गांव से गांव भी हो सकता है गांव से शहर भी हो सकता है शहर से दूसरे शहर शहर से गाँव में भी हो सकता है एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो दोनों होता है इमीग्रेंट भी होता है एमीग्रेंट भी होता है अब ये सुनने में तो वो लगते हैं एक जैसे इमी में आई आता है एमी में ई आता है ओके जो इमीग्रेंट होते हैं मान लो तुम अपनी सिटी से किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो तो जो तुम जिस सिटी में जा रहे हो तुम वहां के क्या कहलाओगे इमिग्रेंट्स मान लो तुम इंडिया से यूएस जा रहे हो तो ये माइग्रेशन हुआ तुम्हारा और तुम यूएस के कहलाओगे इमिग्रेंट्स और इंडिया के कहलाओगे ई फोर एलिफेंट वाला एमीग्रेंट्स तुम इंडिया के कहलाओगे क्या एमीग्रेंट्स? तो इमिग्रेंट्स एंड एमिग्रेंट्स कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई पीपल माइग्रेट लोग माइग्रेट क्यों करते हैं इसका आंसर इसके जस्ट नीचे है देखो आ, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग किसी एरिया को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और किसी या आ, और किसी दूसरे एरिया में जाने को मजबूर हो जाते हैं देखो सबसे पहली बात तो है पुश फैक्टर्स पुश फैक्टर्स में क्या होता है तुम जहां पर रह रहे हो वहां पे तुम्हें ना ऐसे लगने लग जाता है यार ये क्या है मैं ये कहाँ रह रही हूं या कहाँ रह रहा हूं मुझे तो वहां होना चाहिए तो ये एक पुश फैक्टर है कि यार ये सब पता नहीं मेरे एरिया में ये क्या है मुझे तो वहां रहना चाहिए दूसरा क्या होता है पुल फैक्टर पुल फैक्टर का क्या फैक्टर है कि यार वो जगह देख कितनी अच्छी है मतलब मुझे तो वहां रहना चाहिए कहने का मतलब ये है पुश फैक्टर में तो जहां आप रह रहे हो वो जगह आपको अच्छी नहीं लगती मतलब आप सोचते हो यार इससे अच्छी दुनिया में जगह है और मुझे वहीं जाना चाहिए पुल फैक्टर में क्या होता है आपको जो जगह आप सोच रहे हो जहां पर जाने की आपको वहां पर कुछ दिख रहा है यार वहां पर बहुत कुछ है ओके सो so, या yeah. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर पुश फैक्टर्स के अनएम्प्लॉयमेंट अगर किसी एरिया में बेरोजगारी ज़्यादा है या फिर लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है फैसिलिटीज अच्छी नहीं है हेल्थ एजुकेशन वगैरह पॉलिटिकल टर्मोइल चलता रहता है है ना जिनोसाइड होते रहते हैं हत्याएं होती रहती हैं टेररिज्म फैला हुआ है क्लाइमेट रहने का अच्छा नहीं है और नेचुरल डिजास्टर आते ही रहते हैं एपिडेमिक्स और सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जहां पर आप रहते हो फिर वहां पर आपको यूँ कहें कि वो लेस अट्रैक्टिव हो जाता है कि यार ये कितनी गंदी सी जगह है और मुझे कहीं अच्छी जगह जाना चाहिए सो दीज आर पुश फैक्टर्स पुल फैक्टर्स कौन से होते हैं लेट्स सी लुक पुल फैक्टर्स हो सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहीं पर मान लो आपको अच्छी सैलरी मिल रही है अच्छी जॉब मिल रही है आपको लगता है कि यहाँ पर शांति है रहने का माहौल अच्छा है स्टैंडर्ड बढ़ेगा हमारा लिविंग स्टैंडर्ड और क्लाइमेट भी बहुत सुहावना है आपकी सिक्योरिटी की पूरी की गई है मतलब उस चीज की भी ध्यान रखा गया है तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि किसी एरिया को अट्रैक्टिव बनाती है सो दीज आर पुल फैक्टर्स इट इज वेरी मच पॉसिबल कि पुल uh, फैक्टर्स हो और पुश फैक्टर्स ना हों या फिर दोनों हों या फिर इन दोनों में से एक हो मान लो अगर आपको लगता है कि कोई एरिया ठीक भी है मगर आपको उस एरिया में बहुत कुछ दिख रहा है दूसरा एरिया जो है कंपेयर करें अगर तो वहां पर पुल फैक्टर काम करेगा और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ भी काम कर रहे हो पुश फैक्टर भी पुल फैक्टर भी दैट डिपेंड्स Okay, so now is the trends इन पॉपुलेशन ग्रोथ यहां पर लिखा हुआ है कि अर्थ की पॉपुलेशन है सिक्स बिलियन से ज्यादा okay, अब तो मतलब सेवन बिलियन से ऊपर होने को आ रही है और ये धीरे धीरे शुरू में बहुत धीरे धीरे बढ़ी थी और धीरे धीरे करके इसकी स्पीड जो है तेज हो गई लेट्स सो so, यहां पर ये यह आपकी बुक में ग्राफ दे रखा है जब पॉपुलेशन वन बिलियन थी तो ईयर कौन सा था एटीन थर्टी और सौ साल लग गए दो बिलियन पहुंचने में पॉपुलेशन को इन नाइनटीन थर्टी अब इसके बाद अगला बिलियन अगर हम इस स्पीड से चलते तो अगला बिलियन अचीव होना चाहिए था सौ सालों में लेकिन मजे की बात यह है दो से तीन बिलियन चेंज होने में सिर्फ थर्टी इयर्स लगे एंड देन फिफ्टीन ईयर्स अगला बिलियन ट्वेल्व 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 करते करते दो हजार ग्यारह में छ से सात बिलियन होने में भी बारह ईयर्स लगे अब यहां पर इस ग्राफ की ओर आओ ये ग्राफ क्या कहता है ये ग्राफ में नीचे जो है ना यहाँ पर एक्स एक्सेस में ये जो एरिया है यहां पर दे रखा है टाइम और ये वाला एरिया जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन दे रखी है बिलियंस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब इसी का एक अड़जा है मतलब सेवन बिलियन यहाँ पर ऐसे करके दे रखा है ओके okay? so, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और यहाँ पर टाइम है अब देखो जब एग्रीकल्चर आया था तो यहाँ पर देखो जीरो पॉइंट टू फाइव बिलियन कितना धीरे बढ़ रही है ये पॉपुलेशन का ग्राफ है जहाँ पर आपको एरो दिख रहा होगा ये जो पॉपुलेशन का ये वाला जो ग्राफ है अब कितना धीरे बढ़ रही है जब एग्रीकल्चर आया आया था फिर धीरे धीरे क्या है यहाँ पर आ, लिखा हुआ है एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन कॉलोनियलाइजेशन एंड सेटलमेंट तो ये यहाँ पर देखो किस तरह से धीरे धीरे बढ़ने लग गई जब कोलोनियलिज्म शुरू हो चुका था यूरोपियन लोग पूरे वर्ल्ड में अपना अधिकार जमा रहे थे और ऐसे करते करते एक एक फिर इसके बाद डेवलपमेंट होती गई जैसे कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज लगनी चालू हो गई ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई बायोटेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स आ गए ऐसे करते करते धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेवलप करते गए यहाँ पर देखो पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ती ही चली गई यहाँ पर और ये अभी तक भी बढ़ रही है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन 1652 फिफ्टी टू प्रेजेंट यहाँ पर तुम ये सारी टेक्नोलॉजी की जो भी रेवोल्यूशन क्रांतियाँ हुई हैं वो दे रखी हैं आगे भी होती रहेगी तो तुम यहां पर देख सकते हो जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट होते गए टेक्नोलॉजिकली डेवलप होते गए वैसे वैसे हमारा पॉपुलेशन का ग्राफ भी यहाँ पर बढ़ता गया सो यस बेसिकली यू कैन अ लुक ओवर ओके यहाँ पर तुम देख सकते हो ये एक ग्राफ दे रखा है कि कितने टाइम में ये टाइम बता रखा है कितने टाइम में पॉपुलेशन ने अपने आप को डबल किया टेन थाउजेंड बी में ये फाइव मिलियन थी फिर पंद्रह सौ साल लग गए फाइव हंड्रेड मिलियन होने में ऐसे करते करते यू कैन हैव अ लुक ओवर इट ए डी से यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना ए डी इज वट इज गोइंग ऑन यानी कि आ, अभी ये जो टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ए डी है जो भी ईयर आपका करंट में चलता है यानी कि दो हज़ार इक्कीस बाईस तेईस जो भी ईयर है उसके आगे हम ए डी लगाते हैं हमेशा सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद इट जिस भी ईयर में आप हो उसके आगे हमेशा ईडी लगेगा सो गाइज दिस दिस इज नॉ यहां तुम रीड कर सकते हो तुम्हें कोई दिक्कत आए तो फील फ्री इन द टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन आई एल ऑलवेज रिप्लाई टू यू ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बट स्टिल यू कैन आस्क फॉर इट हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्पड द पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ में कैसे हेल्प हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से देखो जो स्टीम इंजन है उसने ह्यूमन और एनिमल की एनर्जी को रिप्लेस कर दिया अब ज्यादा काम आ, मशीनों से होने लगा जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई और जैसे जस, जैसे ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तुमने ऊपर देखा कि किस तरह से ये डेवलप हुई तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ती गई दूसरी चीज़ है कि इनोक्यूलेशन अगेंस्ट एपिडेमिक्स एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस जो भी डिजीज थे जिसकी वजह से लोग मर जाया करते थे उनके अगेंस्ट कुछ वैक्सीन्स आ गई कुछ मेडिसिन आ गई जिसकी वजह से हम लोग लोगों ने डेथ रेट को कंट्रोल काफ़ी किया और जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी जैसे कि स्मॉल पॉक्स हुआ करता था जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती थी फिर प्लेग फैला था जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती थी कई सारे ऐसे डिजीजेस थे तो जैसे जैसे उनकी मेडिसिन आती गई तो लोग मरने से बचते गए और हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती गई देन इज द डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन आई फील मैं तुम्हें इसे uh, अगर तुम इसमें देखो कि इसमें क्या लिखा है दैट इज जस्ट कि डेवलप्ड कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है उसमें उसको बढ़ने में उसको डबल होने में टाइम ज़्यादा लगेगा बजाय डेवलपिंग कंट्रीज़ के यानी कि जो एरियाज एडवांस्ड हैं रिच हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो उनकी पॉपुलेशन को डबल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया चाइना इनकी कंट्री ये जो कंट्रीज हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से डेवलप होगी डबल होगी डेवलप नहीं डबल होगी यानी कि Uh, uh, कोई अभी पर्टिकुलर पॉपुलेशन है मान लो 120 करोड़ की जनता है वो 240 करोड़ या उससे आगे डबल जो हो जाएगी जिस जो भी रेट चल रहा है एक्चुअली तो uh, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी जल्दी से कोई भी पॉपुलेशन है पर्टिकुलर टाइम की वो जितनी तेजी से डबल होगी दैट इज द डबल टाइम डबलिंग टाइम तो uh, वही है कि डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत साल लग जाएंगे कई डेवलप्ड कंट्रीज तो ऐसी है जिसमें लगभग तीन सौ साल लग जाएंगे शायद पॉपुलेशन को डबल होने में और जो अभी है और कई डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें सिर्फ थर्टी सिक्स में कोई पॉपुलेशन जो है वो बढ़ कर के आज की तुलना में डबल हो जाएगी सो अकॉर्डिंग टू योर बुक सिर्फ इतना ही दे रखा है बाकी ये वाला डायग्राम हट गया है सो so, ये जो टेबल है सो यू नीड नॉट ज सो फर्स्ट ऑफ ऑलग्राम सो यू कैन सी है और यहां पर सारे कॉन्टिनेंट दे रखे हैं और ग्रोथ रेट दे रखी है कि कितने परसेंट से किस कॉन्टिनेंट की कितनी ग्रोथ हो रही है वर्ल्ड की यहां पर नाइनटीन नाइनटी से नाइनटी फाइव में थी वन पॉइंट सिक्स 2010 से 15 में है 1.2 अफ्रीका में सबसे ज्यादा है 2.4 एंड 2.6 फिर यूरोप है यूरोप में देखो कितनी कम है 0.2 और 0.1 पॉइंट यहाँ पर तुम इसको ध्यान रखो मतलब 1990 से 95 में इतनी थी और अब रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग इतनी है तो यहां पर देखो जीरो पॉइंट वन Uh, यूरोप में ज्यादातर रिच और एडवांस्ड कंट्रीज हैं तो तुम देख सकते हो ग्रोथ रेट भी कितनी कम है मतलब कितने कम परसेंट से ग्रोथ हो रही है किसी भी पॉपुलेशन की यहाँ पर देख सकते हो माइनस में कोई नहीं जा रहा अभी फिलहाल uh, मतलब कि नेगेटिव अगर मतलब कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें नेगेटिव ग्रोथ हो रही है लेकिन ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो तुम यहाँ पर देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका में भी ज्यादातर वही है तो जीरो पॉइंट एट यहाँ पर एशिया में वन सो यू कैन है लुक ओवर दिस की पॉपुलेशन अभी फिलहाल वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ऑल दो उन्होंने अब अपने डायग्राम में वन पॉइंट टू डाल दिया है मगर डिस्क्रिप्शन में आई डोंट नो वाई देव केप्टन पॉइंट फोर परसेंट मगर जो भी है वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है कहने का मतलब है वन पॉइंट टू ही जब तुम लिख देना मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड टेन टू फिफ्टीन ओके वो आगे मैंशन कर देना जो अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1.2 परसेंट से अगर ग्रो कर रही है तो तुम कहोगे कि बहुत कम नंबर है मतलब बहुत छोटा नंबर है कोई बात नहीं इतना ही छोटा नंबर है क्या हो गया ठीक है फिर हमको क्या टेंशन है पॉपुलेशन के बढ़ने की मगर ऐसा नहीं है क्यों नहीं है इसके दो कारण हैं When a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to a large population change. Okay. यानी कि अगर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है तो अगर छोटा भी परसेंटेज होगा वो नंबर्स में तो बड़ा ही होगा ना मतलब कि एक तो हम निकालें मान लो हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं टू करोड़ का वन परसेंट और एक हम निकालें ट्वेंटी थाउजेंड का वन परसेंट तो अगर कोई चीज़ टू करोर है तो ऑब्वियसली उसका वन परसेंट बहुत ज़्यादा नंबर में निकलेगा और जबकि टू थाउजेंड या ट्वेंटी थाउजेंड का वन परसेंट बहुत कम निकलेगा तो यानी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहले ही बिलियन्स में है सेवन बिलियन से ऊपर हो गई है अब तो, तो अगर उस पर वन पॉइंट टू परसेंट लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा नंबर्स में बढ़ेगी और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इवन इफ ग्रोथ रेट कंटिन्यू टू डिक्लाइन टोटल पॉपुलेशन ग्रोस ईच ईयर ग्रोथ रेट हम ये सोच रहे हैं कि कम हो रही है मगर बात ये है कि अभी भी पॉपुलेशन बढ़ ही रही है चाहे जब तक वो माइनस नहीं होगी तब तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन कम नहीं होगी चाहे 1.2 परसेंट है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है और वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है especially in asia where the two most populous india and china reside and many other countries okay so with this we have come to an end ugly part may will discuss the demographic transition theory and the like thank you for watching it stay tuned for example